नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 25 मई दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बने पुलों व फ्लाईओवर के नीचे बनेगा पार्किंग स्पेस। बिहार में 55 SDP और DSP का किया तबादला। प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। बिहार के ट्रैफिक जवान बॉडी कैमरा से होंगे लैस। सुरेश रैना ने CSK के कप्तान की जमकर की तारीफ। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य के शहरी क्षेत्रों में बने पुलों व फ्लाईओवर के नीचे बनेगा पार्किंग स्पेस। पथ निर्माण विभाग के द्वारा राज्य के सभी शहरी नगर निकायों में बने पुल, ओवरब्रिज व फ्लाईओवर को नगर निकायों को हैंडओवर कर दिया गया है। यानी कि अब नगर निगम एवं नगर परिषद पुलों के नीचे की जमीन को पूरी तरह से अपने हिसाब से प्रबंधन कर सकेंगे। मालूम हो कि अब शहरी क्षेत्रों के पुलों व फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग स्पेस बनाने के साथ ही हरियाली भी विकसित की जाएगी। वहीं जहां जहां पार्किंग का टेंडर अनुबंध समाप्त होगा, उस जगह पर नगर निकाय हरियाली विकसित करने के साथ ही वेंडिंग जोन बनाने और पार्किंग बनाने के लिए नए सिरे से टेंडर जारी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह मांग नगर निकायों की ओर से पिछले 15 सालों से की जा रही थी, जिस पर अब जाकर सहमति बनी है और उन्हें शहरी नगर निकायों में बने पुल, ओवरब्रिज व फ्लाईओवर को नगर निकायों को हैंडओवर किया गया है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में कहलगांव प्रखंड में स्थित है। यह भागलपुर जिले में स्थित प्राचीन समय में एक विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसके अभी आपको अवशेष देखने के लिए मिल जाते हैं। यह विश्वविद्यालय बहुत बड़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको मनौती स्तूप, बौद्ध विहार, गार्डन, बौद्ध मंदिर, तिब्बत मंदिर देखने के लिए मिलते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के सम्राट धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में करीब 160 विहार और पढ़ाई के लिए अन्य कक्ष बने हुए थे। यहाँ पर धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी तक इस विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। यहाँ पर अध्ययन के मुख्य विषय व्याकरण, तर्क शास्त्र, तंत्र, मीमांसा आदि थे। श्री दीपंकर श्री ज्ञान इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इस विश्वविद्यालय को मुगल आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने सन 1193 को नष्ट कर दिया था। आप यहां पर आकर इसके अवशेष देख सकते हैं। नीतीश सरकार ने बिहार में 55 SDPO DSP का किया तबादला। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। बता दें कि बीते दिन सरकार के द्वारा कुल 55 SDPO और DSP का तबादला किया गया है। गृह विभाग के द्वारा इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें उमेश कुमार, मनीष आनंद, नवीन कुमार, मनोज कुमार, सुधांशु, धीरज कुमार, कौशल किशोर कमल, आशीष कुमार सिंह, प्रभात रंजन, अशोक कुमार, सुनील कुमार सिंह, नजीब अनवर, राजकिशोर कुमार, सुबोध कुमार सिन्हा, कल्याण आनंद, सुधीर कुमार, विनोद कुमार, इमरान अहमद, फकरे आलम, ओम प्रकाश अर्जुन समेत कई अधिकारियों के नाम शामिल है। मालूम हो कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनमें ऐसे पुलिस अधिकारी थे जो वेटिंग फॉर पोस्टिंग थे, उन्हें भी इस तबादले में जगह दी गई है। फोन पर मरीजों को सलाह देने में अव्वल बिहार। टेलीमेडिसिन के मामले में, यानी कि फोन पर मरीजों को चिकित्सकों के द्वारा जरूरी सलाह देने में बिहार पूरे देश में तीसरे पायदान पर है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि बिहार में इस क्षेत्र में पहले पायदान पर है, लेकिन वर्तमान में बिहार का पूरा देश में तीसरे स्थान पर आना बिहार वासियों के लिए काफी गर्व की बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में टेलीमेडिसिन की शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वर्ष 2021 में 21 फरवरी को की गई थी। मालूम हो कि सेवा की शुरुआत होने के दौरान इन क्षेत्र में बिहार पूरे देश में 28वें पायदान पर था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर रोज इस सेवा में सुधार लाने की कोशिश की जाने लगी। और इसी कोशिश के तहत इस वर्ष 13 फरवरी को ई संजीवनी 2.0 सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया, जिसके बाद लोगों को फोन पर सलाह लेने में और भी कम समय लगने लगा, जिसका असर पूरे देश में तीसरे पायदान पर आना है। बिहार में मुखिया, पंचायत सदस्य व पंच के लिए आज होगा मतदान। आज यानी कि 25 मई को बिहार के पंचायत उपचुनाव में मुखिया, पंचायत सदस्य व पंच के लिए आज मतदान होने वाला है। बता दें कि चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मालूम हो कि चुनाव को लेकर मतदान केंद्र से 200 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी SDO व SDPO अपने क्षेत्र में संपूर्ण प्रभार में रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मतदान की शुरुआत सुबह 7 बजे से होगी, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। वहीं वोटों की गिनती 27 मई को सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वोट डालने वाले वोटरों को फोटोग्राफी भी होगी। मालूम हो कि इस चुनाव का निष्पक्ष और भयमुक्त कराने के लिए सारी तैयारियां कर ली गई हैं।
बिहार के ट्रैफिक जवान बॉडी कैमरा से होंगे लैस। बिहार में यातायात के नियमों का पालन सही ढंग से कराया जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही हैं। बता दें कि इसी कड़ी में परिवहन विभाग के द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि बिहार के ट्रैफिक जवान बॉडी कैमरा से लैस होंगे, ताकि उन्हें चालान काटने के दौरान ऐसा न लगे कि उन पर किसी की नजर नहीं है। मालूम हो कि अगर ऐसा मालूम होता है तो लोगों के द्वारा इस तरह की शिकायतें सुनने को नहीं मिलेंगी कि पुलिस के द्वारा गाड़ी छोड़ने के नाम पर रिश्वत मांगा जा रहा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नई योजना की शुरुआत बिहार के राजधानी पटना से कर दी गई है और अब तक जिले में पुलिस मुख्यालय के द्वारा 33 से अधिक बॉडी वार्म कैमरा की खरीद कर ली गई है। वहीं धीरे धीरे इसे अभी राज्य के अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा, जो कि अगस्त महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं यह कैमरा यातायात के कंट्रोल रूम से जुड़ा होगा, जहाँ कैमरा की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। राज्य से टीबी उन्मूलन के लिए होगी नियमित निगरानी। राज्य में बिहार सरकार के द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए 2025 तक का लक्ष्य रखा गया है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा रखे गए लक्ष्य से 5 साल कम है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा टीबी उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक निर्धारित किया गया है। ऐसे में राज्य सरकार अपने इस लक्ष्य को हासिल कर सके, इसको लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह के द्वारा पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश देते हुए कहा गया है कि राज्य सरकार के द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस बीमारी को लेकर कई मानकों में लगातार प्रगति दर्ज की जा रही है। राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों को 100% प्राप्ति के लिए जिले, प्रखंड एवं आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर निरंतर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण जरूरी है। हर एक माह के 25 तारीख तक अगले माह की कार्य योजना तथा पिछले माह का संक्षिप्त प्रतिवेदन एवं दल द्वारा जिला विशेष के लिए चयनित संकेतकों पर प्रगति राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी को ईमेल द्वारा भेजा जाएगा। अब डिस्टेंस रेगुलर मोड में ट्रांसफर ले सकेंगे छात्र। अब राज्य के नालंदा खुला विश्वविद्यालय के द्वारा भी 3 साल के स्नातक कोर्स के बदले 4 साल का स्नातक कोर्स करवाया जाएगा। यानी कि अब नालंदा खुला विश्वविद्यालय में CBCS के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का प्रावधान रहेगा। मतलब कि अगर छात्र चाहेंगे तो वो डिस्टेंस मोड से दूसरे यूनिवर्सिटी के रेगुलर कोर्स में अपना ट्रांसफर करा सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्थिति के बारे में राजभवन की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में नालंदा खुला विश्वविद्यालय का जिक्र किया गया है। वहीं विवि के कुलपति प्रोफेसर KC सिन्हा के द्वारा कहा गया है कि NOU में सारे प्रावधान दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह ही लागू रहेंगे। प्रोफेसर सिन्हा ने कहा है कि फिलहाल UG के सभी कोर्स में नया ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन लागू किया जाएगा। वहीं PG व अन्य दूसरे कोर्स जैसे चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। वीवी में सिर्फ स्नातक स्टडी मटेरियल बदले जाएंगे। अब MP फंड से होगा राज्य के सरकारी भवनों और संपत्तियों का जीर्णोद्धार। बिहार के योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब बिहार की मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तर्ज पर MP लैंड्स योजना से भी सरकारी भवनों और संपत्तियों का जीर्णोद्धार व मरम्मत का कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि सांसदों की अनुशंसा पर जिला प्राधिकरण को 45 दिनों के अंदर योजना स्वीकृति की जानकारी देनी होगी। मालूम हो कि पहले 45 दिनों की अवधि के बदले 75 दिनों की अवधि निर्धारित की गई थी। उन्होंने बताया कि संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना को और भी पारदर्शी बनाया गया है। इसके लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के द्वारा नई मार्गदर्शिका 2023 तैयार किया गया है। सीएम नीतीश ने खरीफ महाअभियान 2023 का किया शुभारंभ। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अन्य मार्ग से 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाते हुए खरीफ महाअभियान 2023 का शुभारंभ किया गया और साथ ही इस कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न अवयवों से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। बता दें कि इस दौरान उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मालूम हो कि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट करके की गई। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जिन 36 प्रचार रथों को रवाना किया गया था, वे राज्य के विभिन्न जिलों में जाकर किसानों को खरीफ फसल की तकनीक से जुड़ी जानकारी एवं खरीफ मौसम में कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देने का काम करेंगे। इसके साथ ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही कई अन्य योजनाओं के बारे में भी किसानों को जानकारी दी जाएगी और उन्हें सभी चीजों से अवगत कराया जाएगा। जांच एजेंसियों को कागजात उपलब्ध कराएं निगरानी पदाधिकारी। निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के द्वारा मुख्य निगरानी पदाधिकारियों की बैठक में पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जांच एजेंसियों को जरूरी कागजात उपलब्ध करवाएं और साथ ही जो भी मामले लंबित हैं उनकी समीक्षा कर जल्द से जल्द रिपोर्ट उपलब्ध करवाएं। इसके अलावा लंबित विभागीय कार्यवाही के मामले में संचालन पदाधिकारी के समक्ष गवाहों को उपस्थित कराने के लिए त्वरित कार्रवाई करें। वहीं जिन अधिकारियों के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस बैठक में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई के अपर महानिदेशक, ADG मुख्यालय, अभियंता प्रमुख समेत कई लोग मौजूद रहे।
बिहार की बालिका साइकिल योजना का विदेशों में भी दिख रहा प्रभाव। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार की बालिकाओं के लिए सीएम साइकिल योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका लाभ आज भी सभी बालिकाएं उठा रही हैं, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी हुआ है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि अब ये योजना न केवल बिहार बल्कि सात समुन्द्र पार अफ्रीकन देश जाम्बिया में भी शुरू की गई है। दरअसल जाम्बिया की सरकार के द्वारा भी लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को अपनाया गया है। बता दें इस बात की जानकारी प्रोफेसर प्रकाश के द्वारा आदरी परिसर में व्हील्स ऑफ चेंज ट्रांसफॉर्मिंग गर्ल्स लाइव्स विद बाइसिकल्स विषय पर व्याख्यान के दौरान दी गई है। उन्होंने बताया कि जब से जाम्बिया में बिहारी मॉडल को अपनाया गया है, तब से लड़कियों की अनुपस्थिति में स्कूलों में 27% की कमी आई है और उसके साथ ही कई अन्य सुधार भी आए हैं, जिसको देखते हुए इस मॉडल को राष्ट्रीय यूएन के द्वारा भी अपनाया गया और अन्य 6 अफ्रीकी देश में लागू किया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे डॉक्टर शांति रॉय के बारे में। डॉक्टर शांति रॉय भारत में सर्वश्रेष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ में से एक मानी जाती है। वह स्त्री से संबंधित प्रजनन प्रणाली से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं में गहरी समझ रखने के लिए जानी जाती है। वह एक ऐसी चिकित्सक है जिन्होंने हजारों जटिल बच्चे के जन्म की समस्याओं को सुलझाया है। चिकित्सा में उनके योगदान के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वह बिहार के गोपालगंज जिले की रहने वाली है। फिलहाल शांति रॉय काफी वृद्ध हो चुकी है, जिससे वह नियमित आधार पर मरीजों को नहीं देखती है, लेकिन अपनी बहू डॉक्टर सारिका रॉय व बेटी सिप्रा रॉय को जटिल समस्याओं के दौरान हमेशा मार्गदर्शन करती हैं। डॉक्टर शांति रॉय ने अपनी उच्च शिक्षा लंदन से पूरी की है। 27 मई को बिहार इन्वेस्टर मीट 2023 का आयोजन। 27 मई 2023 को बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के अधिवेशन भवन में निवेशकों के एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बिहार इन्वेस्टर मीट के नाम से भी जाना जाता है। मालूम हो कि दूसरी बार होगा जब महागठबंधन की सरकार बनने के बाद राज्य में बिहार इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले वर्ष 2022 में 29 सितंबर को मीट का आयोजन किया गया था। बता दें कि 27 मई को होने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10 बजे से की जाने वाली है। वह इस कार्यक्रम में सरकार के कई नेता समेत कई उद्योगपति शामिल होंगे, जिन्हें सरकार की ओर से उद्योग के क्षेत्र में की जा रही पहल के बारे में जानकारी दी जाएगी। ये तो मालूम ही है कि बिहार इन दिनों तेजी से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। ऐसे में बिहार सरकार के द्वारा नीतिगत सुधारों के साथ निवेश करने वालों को आकर्षक इंसेंटिव्स भी दिए जा रहे हैं। पोर्टल से होगी निजी स्कूलों में निशुल्क नामांकन की निगरानी। राज्य के निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को उनके कोटे के तहत नामांकन मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार काफी सक्रिय हो गई है। दरअसल बिहार सरकार के द्वारा राज्य के निजी स्कूलों में निशुल्क नामांकन पर निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा एक ई संबंधन पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हर निजी स्कूलों पर नजर बनाए रखना आसान होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम RTI 2009 के तहत ऐसा प्रावधान है कि सभी निजी स्कूलों में 25% ऐसे बच्चों का नामांकन लेना है जो गरीब परिवार से आते हैं और शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। मालूम हो कि स्कूलों में इन 25% बच्चों का नामांकन बिल्कुल निःशुल्क कराया जाता है और इसके बदले सरकार के द्वारा स्कूलों को उस बच्चे पर खर्च होने वाली राशि दी जाती है। लेकिन कई स्कूल ऐसे होते हैं जो सरकार से पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उनकी सीट पर किसी और बच्चों का एडमिशन ले लिया जाता है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा यह नया कदम उठाया गया है। प्लास्टिक फ्री जोन बना राजगीर का नेचर सफारी। राजगीर के नेचर सफारी को प्लास्टिक फ्री बनाया जा सके, इसके लिए बिहार के नालंदा में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा एक नई और विशेष पहल की शुरुआत की गई है। दरअसल विभाग के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नेचर सफारी को प्लास्टिक फ्री बना दिया गया है, लेकिन अब नेचर सफारी प्लास्टिक फ्री आगे भविष्य में भी बना रहे इसके लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं। जैसे कि अब अगर कोई पर्यटक नेचर सफारी घूमने जाते हैं और उनके पास प्लास्टिक की बोतल होती है तो उन्हें विशेष रूप से बनाए गए टोकन को लेना होगा, जो उन्हें संग्रह बिंदुओं पर खाली बोतल जमा करने के दौरान वापस कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर किसी कारणवश संग्रह बिंदुओं पर खाली बोतल जमा नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में पर्यटक को टोकन राशि वापस नहीं दी जाएगी। बता दें कि पर्यटक को टोकन राशि के रूप में 50 रुपये प्लास्टिक की बोतल का भुगतान करना होगा। प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी। बिहार में बारिश जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में तापमान में कमी देखी जा रही है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश के कई जिलों में बारिश के आसार है। विभाग की माने तो राजधानी पटना के साथ ही प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। भारत मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई तक मौसम प्रणाली के एक्टिव रहने की पूरी संभावना है। इस दौरान अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा, कई जगहों पर बिजली के साथ मेघ गर्जन की आशंका है। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। एक दो जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। 30 मई के बाद मौसम के सामान्य होने की बात कही जा रही है। विभाग की माने तो प्रदेश के उत्तर के भाग में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि दक्षिण के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, उन इलाकों में किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के जिलों में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है।
अब पटना मिले वैक्स म्यूजियम का मजा। आपने वैक्स म्यूजियम यानी कि मोम संग्रहालय के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन अब आप इसे देख भी सकते हैं। बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के सिटी सेंटर मॉल में वैक्स म्यूजियम बनकर तैयार हो चुका है। बता दें कि यह म्यूजियम 3 फ्लोर में बनाया गया है, जिसमें महापुरुष, बॉलीवुड, हॉलीवुड एक्टर समेत क्रिकेटर के अलावा कई जानी मानी शख्सियत के मोम के पुतले मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस म्यूजियम के पहले तल्ले पर बॉलीवुड थीम बनाई गई है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत, सोनाक्षी सिन्हा, दलेर मेहंदी समेत कई कलाकार मिल जाएंगे। वहीं दूसरे फ्लोर पर क्रिकेट थीम बनाई गई है और साथ ही इस तल्ले पर देश भर के प्रतिष्ठित लोगों को भी जगह दी गई है, जिसमें सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी, महात्मा गांधी, लता मंगेशकर समेत कई लोग आपको नजर आने वाले हैं। वहीं तीसरे फ्लोर को महापुरुष के थीम के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह, आर्यभट्ट, चाणक्य, शेरशाह सूरी समेत कई मूर्तियां मौजूद है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार। देश का नया संसद भवन बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसके उद्घाटन से पहले ही देश के कई विपक्षी दल इस उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इस पर अपना विरोध जताते हुए कहा है कि सभी विपक्षी दलों से हमारी बातचीत हुई है और हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग इस नए भवन के उद्घाटन का बायकॉट करेंगे। हम लोगों को मानना है कि राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन करवाया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट के हेड होते हैं, इसलिए उनसे संसद भवन का उद्घाटन न करवाकर कहीं न कहीं राष्ट्रपति जी का अपमान किया जा रहा। वहीं जेडीयू मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा इस मुद्दे पर कहा गया है कि नया संसद भवन उस समय बनाया जा रहा था जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा था। इनके पास अग्निवीर को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए हमारी पार्टी उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लेगी। मालूम हो कि अब तक संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए देश के 19 राजनीतिक दलों के द्वारा बहिष्कार किया जा चुका है। आरजेडी जेडीयू के विरोध पर विजय सिन्हा का जवाब। 28 मई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किए जाने को लेकर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ी हुई है। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर आरजेडी और जेडीयू लगातार बीजेपी पर हमलावर है। वहीं अब बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा के द्वारा जेडीयू और आरजेडी के विरोध का पलटवार किया गया है। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध करना और बहिष्कार करना दुर्भाग्यपूर्ण है, यह संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि सभी गुलाम भारत की जकड़ से नहीं निकल पा रहे हैं। ये लोग अति पिछड़ा समाज के बेटे को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे। पीएम मोदी का अपमान करने के लिए ये अपने देश के विरोधी ताकतों से मदद लेने में भी नहीं चूक रहे हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबकी अपनी जिम्मेदारी है। उनके नाम पर विपक्ष के लोग राजनीति और नाटक करना बंद करें। 21वीं सदी के भारत के क्षण का गवाह बनना चाहिए। राष्ट्रप्रथम का भाव मन में रखना चाहिए। नीतीश सरकार ने गिरिराज सिंह पर लगाया आरोप। बीते दिन बुधवार को बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह पर बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को तब से इंदिरा आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा जब से केंद्रीय मंत्री का पद गिरिराज सिंह के द्वारा संभाला गया है। उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह को हिंदू और मुस्लिम करने से फुर्सत ही नहीं मिल रहा, जिस वजह से उन्हें इंदिरा आवास योजना का फंड देने की कोई चिंता ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने खुद इस मुद्दे को लेकर उन्हें पत्र लिखा, उनसे मिलने के लिए उनके कार्यालय पहुंचा, लेकिन कार्यालय जाने पर गिरिराज सिंह अपने अधिकारियों को बुलाते जरूर है और आदेश जरूर देते हैं, पर उस पर कोई कार्य नहीं होता। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने बिहार की जनता के लिए क्या कुछ किया है। सुरेश रैना ने सीएसके के कप्तान की जमकर की तारीफ। चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व बल्लेबाज और चिन्ना थाला के नाम से मशहूर सुरेश रैना के द्वारा जियो सिनेमा पर बातचीत करते हुए सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की जमकर तारीफ की गई। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह सीएसके फाइनल में पहुंची, 14 सीजन में से 10 फाइनल, मेरे ख्याल से यह शानदार उपलब्धि है। एमएस धोनी ने आसान चीजें रखी, वो श्रेय के हकदार है। और ऋतुराज गायकवाड़ ने मुझे कहा कि सीएसके इस साल धोनी के लिए खिताब जीतना चाहती है, पूरा भारत ही धोनी को आईपीएल जीतते हुए देखना चाहता है। हमें देखने को मिला कि चेन्नई सुपर किंग्स को इस मैदान पर हराना चुनौतीपूर्ण है। एमएस धोनी कुछ भी छूले वो सोने में बदल जाती है और यही वजह है कि उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी है। बता दें कि चेन्नई सुपर किंग्स की कोशिश 5वीं बार आईपीएल खिताब जीतने की होगी। सीएसके ने आईपीएल 2023 के लीग चरण में पॉइंट्स टेबल में दूसरा स्थान हासिल किया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। मुगल शासक जहांगीर ने 1611 में मरुनिस्सा से निकाह किया, बाद में इनका नाम नूरजहां पड़ा। यात्रियों को लेकर जा रहा स्टीमर सर जॉन लॉरेंस 1877 में उड़ीसा तट के पास डूबा। परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर 1998 में प्रतिबंध न लगाने के लिए यूरोपीय संघ के सभी 15 सदस्य देश सहमत। प्रख्यात वकील और शिक्षाविद रास बिहारी बोस का जन्म 1886 में हुआ। प्रसिद्ध उर्दू शायर दाग देहलवी का जन्म 1831 में हुआ। जाने माने शिक्षाविद और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति आशुतोष मुखर्जी का निधन 1924 में हुआ। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का निधन 1998 में हुआ। हिंदी फिल्म अभिनेता एवं राजनेतज्ञ सुनील दत्त का निधन 2005 में हुआ। तपन चट्टोपाध्याय बांग्ला अभिनेता का निधन 2010 में हुआ। भारतीय समाज सेवी रजनीकांत अरोल का निधन 2011 में हुआ। प्रसिद्ध कवि एवं निबंधकार भगवत रावत का निधन 2012 में हुआ।
वेलकम। आज हम बात करेंगे 25 लाख की लॉटरी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 25 लाख की लॉटरी के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि क्या आपको भी व्हाट्सएप पर 25 लाख की लॉटरी जीतने के मैसेज आए हैं। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह मैसेज फर्जी है। कोई भी बैंक कॉल या मैसेज के जरिए आपकी निजी जानकारी या आपके अकाउंट से जुड़ी जानकारी नहीं मांगती है और न ही भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई लॉटरी की योजना चलाई जाती है, इसलिए सावधान रहें। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन व्यूअर्स द्वारा हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, प्रिंस राज, अनवर करीम खान, कमलेश शर्मा, अरमान आलम, मुटु रंगीला, अर्चना कुमारी, रमन कुमार, विनय राज, समुद्र पटेल, कुश कुमार यादव, रवि मोहन वर्मा, शंकर मुखिया, राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपका पसंदीदा बिहार का व्यंजन कौन सा है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज़। साथ ही अगर आप YouTube से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।